एक ब्रह्मांड, आठ ग्रह, सात महाद्वीप, 196 देश और मेरी जिंदगी इतनी झंड है कि मुझे YouTube पे ये मिली। हे गाइस, अगर तुम्हें मुझ पर रोस्ट बनाना है तो बनाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एक शर्त है कि तुम्हें वीडियो में गाली नहीं देनी है। वीडियो में ऐसी ऑफेंसिव गालियां मेरे को पसंद नहीं आई, तो यार ऐसे माँ बहन बाप वैसी वाली गालियां मत देना। गाली नहीं देंगे तुमको, कह के लेंगे तुम्हारी। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं यानी 2.0 और आज हम करने जा रहे हैं मलिका सेवा का रोस्ट। मलिका शेरावत नहीं बोल रहा हूं मैं यार, पापी लोगों, ये फीमेल रोस्टर है, रोस्टर। मुझे पता है बहुत सो क्यूट ये वाली फीलिंग आती है जब भी मैं सुनता हूँ ये रोस्टर है। मतलब इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। एक लड़की वो चीज ट्राई करे जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं। And don't you dare to compare me with her, क्योंकि मैं अपने खराब से खराब दिन में भी ना इतना बड़ा सीन नहीं हो सकता जितनी बेवकूफ ये लड़की है। जब मैंने इसका चैनल पहली बार देखा ना, मुझे लगा हाई ला, ये तो आठवां अजूबा है जिसके सर पे टेढ़ा डिल्डो है। और अगर तुम उन गिने चुने लोगों में से जिसको अभी भी कोई आइडिया नहीं कि मलिका कौन है, डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। लाइट साउंड से तेज ट्रैवल करता है और यही वजह है कि तुम जब इसको पहली बार देखते हो ना, तुम्हें लगता है ये बंदी बहुत स्मार्ट है, जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलती। ये वही लड़की है जो गैस की टी शर्ट पहन के पूरी दुनिया घूमती है और जब कोई बोल दे यू नीड इम्प्लांट्स तो गुस्सा हो जाती है। I bet तुम में से बहुत लोगों को अब तक आइडिया हो चुका होगा कि इस बंदी के पास एक पुसी है। हरकियों बिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डॉग वुमन नहीं लगती है, कैट वुमन लगती है। 61-62 करना बंद कर दो। मैं करूंगा ही नहीं इस बारे में बात, मैं कुछ भी बोलूं साले तुम गलत वे में लेते हो। तो मैंने इससे पूछा तुम रहती कहाँ हो, तो इसका कुछ ये जवाब था। मैं रहती हूँ अहमदाबाद, जो है गुजरात में, और गुजरात है भारत में, और भारत है एशिया में, एशिया है देश में। क्या कभी औकात में भी रह लो। ये इतनी अगली दिखती है कि अगर मैं इसके जैसा 1% भी दिखता ना, या तो मैं सुसाइड कर लेता या अपने माँ बाप पे केस कर देता। और नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये बाकियों से ज्यादा डम है। और अगर तुम्हें गलती से लग रहा है कि मैं इससे नफरत करता हूँ या मैं इससे जलता हूँ, तो नहीं भाई, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं जलता, इससे नफरत नहीं करता। मैं बस हर दिन सुबह उठ के ऊपर वाले से एक ही सवाल करता हूँ, किस पाप की मुझे सजा दी है जो तुमने मुझे इसकी वीडियो दिखा दी। मलिका, दीदी, दीदी, आर यू सीइंग दिस मैसेजेस? दीदी प्लीज रिप्लाई। मलिका दीदी, कैन आई डू अ कोलैब विद यू? मलिका दीदी, कैन आई प्लीज बी इन अ वीडियो विद यू? दीदी, कैन यू टीच मी हाउ टू एडिट योर वीडियोस? दीदी, मलिका दीदी। इस बंदी की वीडियो जीता जागता एग्जांपल है कि बेवकूफी को डिफाइन करने के लिए तुम्हें डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। इसके जोक्स और बकचोद बाबा जी का डिस्ट्रक्ट एक जैसा है। Boy, that doesn't even make any sense. That's the point. माँ की चू बोले है बैंचो का पापा, पीकॉक को हिंदी में कहते हैं यहाँ पे मोर है। मलिका दीदी, मलिका दीदी, आई लव योर वीडियोस। मलिका दीदी, यू मेक अमेजिंग वीडियोस। मलिका दीदी, दीदी, आर यू सीइंग दिस मैसेजेस? दीदी प्लीज रिप्लाई। मलिका दीदी, कैन आई डू अ कोलैब विद यू? मलिका दीदी, कैन आई प्लीज बी इन अ वीडियो विद यू? दीदी, कैन यू टीच मी हाउ टू एडिट योर वीडियोस? दीदी, मलिका। इसके जन्म के इसके डैड को इतना दुख है कि इसको देखने के बाद सबसे पहला काम उसने नसबंदी कराने का किया था। और इस बंदी की वीडियो से ज्यादा फनी इसका कमेंट सेक्शन होता है, यकीन नहीं होता। हैव अ लुक। लोग जितना भी कह रहे कि कॉपी बोले आपको, पर फिर भी वो लोग तुमको इग्नोर नहीं कर सकते। योर पर्सनैलिटी एंड एडिटिंग इज सुपर्ब। डोंट स्टॉप मेकिंग वीडियोस एंड यू विल वेरी सून बिकम अ बिग यूट्यूबर लाइक मी। 88 सब्सक्राइबर्स। आर यू अरमान मलिक? मलिका, लव योर एटीट्यूड, गुड गोइंग, गॉड ब्लेस यू डियर। भाई मत बोल, दर्द होता है।
और नहीं नहीं मुझे सच में बताना तुम लोगों को क्या लगता है, वेरी नाइस वीडियो डियर लिखोगे तो बंदी सेट हो जाएगी? और जब जब ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ ना, मेरा दिल करता है इनको फेंक के ऐसा डिल्डो मारूं कि पूरा खानदान प्रेग्नेंट हो जाए। अबे ठरक के देखता हूँ, 14 साल की बच्ची है वो, रक्षाबंधन पे राखी बनवाने के लिए पूछो उससे। इसका कमेंट सेक्शन देख के ना मुझे लगता है ऊपर वाले को बेवकूफ लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है, अबे थूक की मात्रा में भेजे हैं यार। और अगर तुम भी शॉक्ड हो इस बात को लेके कि ये 14 साल की है, तो रोनी का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। 14 साल की है ये? अबे कौन सा आटा खाती हो, जरा हमको भी बताओ बे। और ये वीडियो ना कब का बना चुका होता, द ओनली रीजन मैंने इस वीडियो को डिले किया क्योंकि मैं कंफ्यूज था इसको मेरे पंचे समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। और मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को देख के तुम सब हंसे होगे एक ना एक पॉइंट पे, पर मल्लिका को लग रहा होगा यार कितना बड़ा सी है ये बंदा। अरे मैं बिल्कुल सी वाली बातें कर रहा हूँ ताकि तेरी ऑडियंस और तुझे मेरे जोक समझ में आए। और ये वीडियो बिना पूरी देखे जो लोग भी कमेंट करने वाले हैं, अबे जलता है मल्लिका से, अबे तू अपनी शक्ल देख, तेरे सामने KRK भी SRK लगता है। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है, बट मेरी अगलीनेस का इलाज प्लास्टिक सर्जरी है, लेकिन तुम सालों जिंदगी भर चूतिया ही रहोगे। तो यार इसी नोट पे ज्ञानी 2.0 का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और नहीं ये सब मजाक है, दिल पे मत लेना इसको। और इससे पहले कि मैं मल्लिका की तारीफ करना शुरू करूं, मैं बस एक डाउट है बहुत लोगों के मन में, उसे क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मल्लिका इतनी जल्दी इतनी सक्सेसफुल इसलिए हो गई क्योंकि वो लड़की है। तो भाई एक बात समझो, यूट्यूब है ये, चांदनी बार नहीं है जो लड़की है तो सक्सेसफुल हो गई। इमरान हाशमी नहीं बैठा वहां पे जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गई, वो अपने हार्डवर्क अपनी कॉमेडी की वजह से सक्सेसफुल हुई है। बहुत यंग, बहुत टैलेंटेड है, और अभी सिर्फ 14 साल की वो लड़की, और मेरे को लगता है बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका। मल्लिका एक ऐसी कॉन्टेंट क्रिएटर है जिसका कॉन्टेंट मैं देखना पसंद करता हूँ, रोनी शो के अलावा। सो इनकेस मल्लिका इफ यू वॉचिंग, सब मजाक था इसे दिल पे मत लेना, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम्हें गाली ना दूं इस पूरी वीडियो में। बट द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वॉज कि लोगों को लगता है कि गाली बहुत बुरी चीज है, और गालियों के साथ ही रोस्ट हो सकता है, गालियों के साथ ही ऑफेंसिव रोस्ट बन सकता है, और ये वीडियो एक एग्जांपल है कि बिना गाली के भी ऑफेंसिव रोस्ट बन सकता है। सो इट्स ओके अगर कोई गाली देता है नहीं देता, इट्स डिपेंड हाउ यू टेक दिस रोस्ट। सो अगेन अगर तुम्हें कुछ पसंद ना है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, आई कैन टेक डाउन दिस वीडियो। और अगर तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक करो वीडियो को, क्योंकि वो चाइल्ड मोलेस्टर जिनको मल्लिका जानती भी नहीं होगी वो आके इस वीडियो से ऑफेंड होंगे और डिसलाइक करेंगे। सो बी अ ब्रो, लीव अ लाइक, और बस आज भाई कुछ नहीं मांगेगा, कल भाई का बर्थडे, भाई एक्साइटेड है। तो बस यार आज के लिए इतना काफी है, आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ये मेरा रोस्ट करेंगे, पाप का रोस्ट कर, सारे मिलके हमको पागल बना रहे।